नमस्कार, किरण्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ में मोटी वाली जो हरी मिर्च मिलती है ना, उसकी सब्जी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत आसान रेसिपी है फ्रेंड्स, बहुत कम सामान में बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। इसे हम सिंपल रोटी, तवा रोटी, चावल, नान, कुलचा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो जब भी कभी आपका कोई डिफरेंट खाने का मन करे तो आप इस तरह से इस सब्जी को बना सकते हैं। सभी लोग इसे जरूर पसंद करेंगे। एक बार आप इसे बनाइए, टेस्ट कीजिए और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। तो आइए जल्दी से इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। मिर्च की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये जो हरी वाली मोटी वाली मिर्च होती है ना फ्रेंड्स, वो मैंने छील ली है। अब हम अच्छे से धो के मैंने इसको साफ करके रखा हुआ है। बीच में एक चीरा लगा लेंगे। इस तरह से आप चाहे तो इसकी डंडी अलग कर सकते हैं, मैं नहीं कर रही हूं। ऐसे ही मैंने इस पे चीरा लगा लिया है, ऐसे ही मैं सारी मिर्च पर लगा के रख लूंगी। सारी मिर्च पर इस तरह से मैंने कट लगा के तैयार कर लिया है, देखिएगा। आप चाहे तो इसके बीज भी अलग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे नहीं कर रही हूं क्योंकि ये ज्यादा तेज नहीं होते हैं। अब गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है और 1 टेबल स्पून उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। 1/2 चम्मच राई डाल देंगे। राई अच्छे से चटक गई है। 1/2 चम्मच अब हम इसमें जीरा डाल देंगे और 1 बड़े साइज का प्याज मैंने बारीक बारीक कट करके रखा है, इसमें डाल देंगे। अब मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से भून लेंगे। प्याज अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डाल रही हूँ फ्रेंड्स। 2 मीडियम साइज के टमाटर, 8-10 कली लहसुन और 2 हरी मिर्च, ये डालकर मैंने इकट्ठा मिक्सी में इसे पीस लिया है। तो अदरक, लहसुन और टमाटर, हरी मिर्च, ये चारों चीजें मैंने इसमें डाल दी थी। अब इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। इसी के साथ मसाले भी डाल देती हूँ फ्रेंड्स, तो इकट्ठा मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे। 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच ही मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और टमाटर के साथ में इसे भी अच्छे से भूनने देंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, मसाला कितने अच्छे से भून गया है, उससे ऑयल रिलीज हो गया है। अभी तक हमने सब्जी पे नमक नहीं डाला है, तो नमक डाल देते हैं। तो 1/2 चम्मच ही मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, 1/3 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच ही कसूरी मेथी ली है। हाथ से इसे क्रश करके डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। फ्रेंड्स, ये सब्जी खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है और बनाना भी बहुत आसान है। तो जब हम सारी सब्जियां खा के बोर हो जाएं, तो एक बार आप इस सीजन में मिलने वाली इस मोटी हरी मिर्च की ये सब्जी जरूर बना के टेस्ट कीजिए। आपको इतनी पसंद आएगी कि 2 की जगह आप 4 रोटी खाने पर मजबूर हो जाएंगे। अब 1-2 मिनट हम मसाले के साथ में सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब जो मिर्च थी ना, जिसको हमने चीरा लगा के रखा था, उसे हमने डाल दी है। एक बार मसालों के साथ भी इसे अच्छे से उलट पुलट लेते हैं। अब इसमें 1/2 कप में पानी डाल देंगे और फिर से एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में आके मुझे जरूर बताइएगा। गैस की फ्लेम को मीडियम पर ही रखेंगे और अब इसे हम ढक देते हैं। 3-4 मिनट तक ये अच्छे से स्टीम होगी और मिर्च भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। 4-5 मिनट हो गए हैं, हमारी सब्जी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। देखिएगा मिर्च भी कितनी सॉफ्ट हो गई, एकदम कुक हो गई है। तो हमारी इतनी डिलीशियस सब्जी बन के तैयार है, लग रही है ना बहुत बढ़िया। और सिर्फ मिर्च से हमने इसे बना के तैयार किया है। अब इसमें हरा धनिया डाल देंगे। 2 मिनट के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और फिर हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। सब्जी को मैंने सर्विंग बाउल में निकाल लिया, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारी सब्जी कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है। देखिए एकदम पास से भी दिखाती हूँ मैं आपको, लग रही ना बिल्कुल माउथ वाटरिंग। तो फ्रेंड्स, रोज रोज वही मार्केट वाली रोज वाली सब्जियां खाकर अगर आप बोर हो गए हो,
तो इस तरह से एक बार आप ये मोटी वाली जो मिर्च अभी मिल रही है इसकी सब्जी बना के टेस्ट कीजिए, आपको सही में बहुत मजा आएगा। इसे हम सिंपल अपनी तवा रोटी, तंदूरी रोटी या फिर नान, कुलचा किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेवी इसकी बहुत ही बढ़िया बनी है। और कैसी बनी है ये तो खैर अब मैं बता रही हूँ, आप इसे बनाएंगे, टेस्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर मेरी चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।